जम्मू कश्मीर रियासी आतंकी हमले पर एसएसपी मोहिता शर्मा ने कहा, कल शाम करीब 6 बजे तक यात्री बस से शिवखोड़ी के लिए दर्शन के लिए रियासी जा रही थी। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग की, 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 33 लोग घायल हुए जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टूवर्ड्स रियासी जा रही थी, तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स वगैरह ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये, पीछे की जितनी भी पीक्स हैं। इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये, और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस, हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है उन्होंने 2 से 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है।